तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के यूपी बोर्ड के हिंदी सिलेबस के बारे में, जो 2021-22 के लिए लागू होगा। तो किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो में बताएंगे, और कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं किताब में वो सब आपको बताएंगे। व्याकरण वगैरह में जो है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने हर विषय के सिलेबस नहीं देखे हैं क्लास नाइन्थ के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो क्लास नाइन्थ का यूपी बोर्ड का 2021-22 का सिलेबस है, इसमें आपके 5 पार्ट होंगे। पहला गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा संस्कृत, चौथा एकांकी और पांचवा व्याकरण। तो आपके जो है 5 पार्ट होंगे। व्याकरण में दोनों व्याकरण है, संस्कृत और हिंदी। तो पहला है हमारा गद्य। तो गद्य में आपके कुल 9 पार्ट होंगे। तो 9 पार्ट कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं वो देखेंगे, फिर पद्य की बात करेंगे, फिर संस्कृत के पार्ट, फिर एकांकी, फिर व्याकरण। तो पहला पार्ट जो है वो रहेगा हमारा गद्य में मंत्र, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दूसरा पार्ट हमारा रहेगा गुरु नानक देव, ये आपको पढ़ना है, सब आपको पढ़ने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सब आपको पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत के भावार्थ भी बताए जाएंगे, अनुवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर लेक्चर आया करेगा इस पर क्लास नाइन्थ का। गिल्लू जो है वो महादेव वर्मा ने लिखा है। चौथा पार्ट रहेगा आपका निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये जो इसके जो लेखक है वो है काका कालेलकर। फिर पांचवा पार्ट जो है वो रहेगा तोता, जिसे जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। छठा पार्ट सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। सातवां पार्ट बात, जिसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। आठवां चैप्टर जो है वो रहेगा आपका हिंदी में स्मृति, इसके लेखक श्रीराम शर्मा। और नौवां पार्ट जो लास्ट ठेले पर हिमालय, उसके लेखक जो है धर्मवीर भारती। तो गद्य के हमारे कुल 9 पार्ट हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो रहेगा पद्य। अब पद्य की बात करते हैं, पद्य को हम काव्य भी बोलते हैं। देखिए इसमें आपके जो है 13 पार्ट रहेंगे, मतलब 13 काव्य रहेंगे। तो पहला जो है वो कबीरदास जी का है साखी। दूसरा पार्ट जो है, मतलब दूसरा काव्य है, ये कविता टाइप की होती है, वो मीराबाई ने लिखा है और वो रहेगी पदावली। तीसरा जो है वो रहेगा रहीम, रहीम ने लिखा है, वो लिखे हैं दोहे, दोहे जो है वो पार्ट है। फिर अगला जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है पुनर्मिलन। फिर पाँचवा जो आपका काव्य रहेगा वो रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके जो पाठ है वो रहेगा दान। फिर छठा पाठ आपका मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है पंचवटी नाम का। फिर सातवां जो है वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, वो पाठ है पथ की पहचान। फिर आपका आठवां पाठ जो है वो रहेगा संत रैदास ने लिखा है, उस जो पाठ है वो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आठवां हो गया। नवा रहेगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी, ये पाठ का नाम है आपका कवि काव्य का। उसके बाद आपका दसवां जो काव्य है वो नागार्जुन ने लिखा है, और बादल को घिरते देखा जो है वो काव्य है। ग्यारहवां पाठ जो है आपका काव्य वो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है, और काव्य है उन्हें प्रणाम। बारहवां काव्य केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है अच्छा होता, इसमें दो भाग है देखिए, अच्छा होता और सितार संगीत की रात, ये दो भाग है इस काव्य में। अगला है और लास्ट 13वां शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखे है युगवाणी। तो इस तरह से आपके 9 गद्य पढ़ने हैं आपको, गद्य के पाठ, और आपको 13 जो है काव्य यानी कि पद्य के पाठ पढ़ने हैं। फिर तीसरा आपका संस्कृत है, चौथा एकांकी, और पांचवा संस्कृत और हिंदी व्याकरण। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर, संस्कृत में क्या है। संस्कृत के आपका हर एक चैप्टर का जो है आपको अनुवाद बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा आपका संस्कृत रहेगा, संस्कृत में कौन कौन सा पाठ है यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पाठ रहेगा आपका वंदना, दूसरा पाठ पुरुषोत्तम राम, तीसरा पाठ जो है वो सुभाषितानी, चौथा पाठ रहेगा परमहंस रामकृष्ण, पांचवा पाठ आपका रहेगा कृष्ण गोपाल नंदना, छठा पाठ आपका रहेगा सदाचारा, सातवां पाठ जो है वो रहेगा सिद्धि मंत्रा। उसके बाद आपका चौथा खंड जो है वो रहेगा एकांकी। अब एकांकी में आप यहाँ पर देख सकते हैं एकांकी में क्या है। एकांकी में आपके 5 पाठ रहेंगे, 5 एकांकी है। पहला रहेगा दीपदान, जिसके जो लेखक है वो रहेंगे राम कुमार वर्मा। दूसरा पाठ जो है लक्ष्मी का स्वागत, इसके जो लेखक हैं वो रहेंगे उपेंद्र नाथ अश्क। तीसरा जो पाठ है वो रहेगा व्यवहार, इसके लेखक रहेंगे सेठ गोविंद दास। फिर आपका जो चौथा पाठ है वो रहेगा सीमा रेखा, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब पांचवा जो पाठ है वो रहेगा नए मेहमान, इसके जो लेखक हैं वो रहेंगे उदय शंकर भट्ट। तो इस तरह से आपकी एकांकी समाप्त हुई। पांचवा जो पाठ है आपका वो रहेगा व्याकरण, इसमें आपकी हिंदी संस्कृत दोनों रहेंगी। तो व्याकरण पहले संस्कृत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर संस्कृत है आपके 5। तो संधि रहेगी दीर्घ संधि और गुण संधि। फिर दूसरा इसमें शब्द रूप आपको पढ़ने राम हरि भानु और अस्मत के। उसके बाद आपका तीसरा धातु रूप पढ़ने गम भुरु और क्रय, ये 3 जो है आपको धातु रूप है। फिर चौथा जो रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। फिर आपका आता है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में आपका जो है पत्र लेखन होगा, आपको पत्र लिखना है। उसके बाद वर्तनी और विराम चिन्ह जो है आपको पढ़ाए जाएंगे।
उसके बाद सातवां पार्ट आपका जो है वो रहेगा शब्द रचना। इसमें क्या तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण शुरू होता है यहाँ से, पत्र लेखन से। आठवां जो रहेगा वो रहेगा समास, अव्यय भाव और तत्पुरुष, दो आपको समास पढ़ने हैं। नौवां पार्ट जो है वो रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर आपको दसवां पार्ट रस पढ़ने हैं आपको, श्रृंगार रस और वीर रस। उसके बाद आपका रहेगा छंद, छंद में जो है आपका चौपाई छंद और दोहा छंद, ये दो आपको पढ़ने हैं। और बारहवां जो रहेगा आपका अलंकार, अलंकार में आपको शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, तो ये आपको जो अलंकार पढ़ने हैं। तो ये आपका जो पार्ट थे आपके सिलेबस था। अब आपको हम बताते हैं कि आपके पेपर जो है वो एग्जाम में किस तरह से आएगा, वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, किस तरह से आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपका हिंदी का जो पेपर होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा और यहाँ पर आपका 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो 70 अंक का जो आपका एग्ज़ाम होगा लिखित वाला, तो उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा यही आपको अब आगे बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें दो पार्ट होंगे आपके, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कै और खै। कै वाले में आपका होगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इनसे संबंधित जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। उसका फिर खै वाला आपका होगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें आदिकाल और पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल का परिचय आपको पढ़ना होगा, ये आपके 5 नंबर के आएंगे। तो 10 नंबर आपके हुए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, संदर्भ रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगी और तथ्य परक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और पाठ रहेंगे इसमें आपके जितने पाठ हैं सभी पाठ होंगे आपके, 2 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो वहाँ पर अनसीन तो नहीं, रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपको यहाँ पर करना, यानी संदर्भ सहित व्याख्या, ये आपका 8 नंबर का होगा। फिर आपका आएगा तीसरे नंबर का, तो तीसरा क्वेश्चन आपका होगा काव्य हेतु, यानी कि पद्य में से आएगा, सेम काम यहीं पर करना है, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब रस, अलंकार, छंद कौन सा है, तो 2 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2+4+2=8, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का काव्य सौंदर्य, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो संस्कृत से आएगा, संस्कृत में आपका होगा संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से, जो आपके संस्कृत के पाठ अभी हमने ऊपर बताए वीडियो में, उनमें से जो है आपको गद्यांश या श्लोक, एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद होगा, यानी कि एग्जाम में एक गद्यांश लिखा हुआ आएगा और एक श्लोक लिखा हुआ आएगा, तो आपको उन दोनों में से किसी एक को करना है। उसमें 1 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 4 नंबर का आपका अनुवाद होगा, तो 1+4=5 इस तरीके से आएगा, पाठ आपके सभी होने हैं। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन जो है वो आएगा निर्धारित एकांकी से, कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्यपरक प्रश्न, आपके जो एकांकियाँ दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत और भी एकांकियाँ मैं लिखवाई हैं आपको ऊपर वीडियो में, तो 3 नंबर का जो इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है वो आपका होगा निर्धारित पाठकों के लेखक तथा कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, तो जो आपके पाठ हैं मैंने बताए ऊपर गद्य में और पद्य में, तो उनमें से एक लेखक का और एक कवि का, यानी कि गद्य में से लेखक का और पद्य में से काव्य में से कवि का, तो 3-3 नंबर के दोनों आएंगे, यानी कि 3 नंबर गद्य का और 3 नंबर का पद्य का, तो 6 नंबर के आपके जीवन परिचय और रचनाएं होंगे। फिर उसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन जो है वो रहेगा पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आएगा, यानी कि आपकी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको कोई भी एक श्लोक लिखना है, वो 2 नंबर में आएगा। फिर आपका इसमें सातवां का दूसरा पार्ट होगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में, यानी संस्कृत में आपके जितने पाठ होंगे उनमें से 2 संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे एक एक लाइन के, तो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। फिर आपका आठवां क्वेश्चन जो है वो रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व, ये आपके 6 नंबर के होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 नंबर का रस, 2 नंबर के छंद, 2 नंबर के अलंकार, तो रस में श्रृंगार और वीर रस, उनकी स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। दूसरा आपका छंद रहेगा चौपाई और दोहा, इनके लक्षण और उदाहरण। फिर तीसरा आपका अलंकार में शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा और उदाहरण और पहचान, तो ये आपके जो अलंकार रहेंगे 6 नंबर के, छंद और रस, 3 मिला के 6 नंबर के आपका ये आएगा। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा हिंदी व्याकरण और शब्द रचना, ये आपके 8 नंबर के होंगे, यानी कै पार्ट 2 नंबर का, खै 2 का, गै 2 का और घै वाला भी 2 नंबर का, तो वर्तनी और विराम चिन्ह 2 नंबर के होंगे। फिर आपके शब्द रचना में तत्सम, तद्भाव, विलोम, पर्यायवाची, यहाँ आपके 2 नंबर के होंगे। उसके बाद समास जो हैं और अव्यय भाव समास
और समास एक और है आपका ऊपर पढ़ा था, छह तत्पुरुष हैं, देख लीजिए ऊपर जाकर। तो परिभाषा और उदाहरण ये दो नंबर की होगी। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनका अर्थ और प्रयोग, ये आपके दो नंबर के होंगे। तो नवा प्रश्न आपका आठ नंबर का आएगा। उसके बाद दसवां प्रश्न जो है आपका रहेगा संस्कृत व्याकरण से, उसमें आपके तीन पार्ट होंगे, का खा और गा। इसमें आपकी संधि, गुण संधि और एक संधि और है, आप ऊपर देखना। यहाँ पर परिभाषा, उदाहरण और पहचान, तो दो दो नंबर के जो हैं ये आने वाले हैं। शब्द रूप होंगे राम और हरि के, और भी हैं छः नंबर के। फिर धातु रूप जो है वो आपके दो नंबर के। तो कुल मिलाकर ये दसवां प्रश्न आपका छः नंबर का होगा। उसके बाद आपका ग्यारहवां क्वेश्चन जो है वो रहेगा हिंदी के दो सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी कि हिंदी के दो वाक्य होंगे उनको आपको संस्कृत में लिखना है, ट्रांसलेशन। तो दो नंबर का जो है ये आएगा। फिर आपका ग्यारहवें का पार्ट लास्ट, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, चार नंबर का। तो इस तरह से जो है आपका ये हिंदी का एग्ज़ाम आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर आपको ये आंतरिक मूल्यांकन है और ये गद्य वस्तु मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर। तो कहीं मत जाइए, आपको हर एक पाठ कराया जाएगा संस्कृत में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।